गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब लोग हो अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे खुश होंगे मैं भी अच्छी हूँ ठीक हूँ बढ़िया हूँ हु, मस्त हूँ और अभी जस्ट उठी हूँ अभी यानी हो गया है आधा घंटा हो चुका है और सुल्तान को सबसे पहले खाना दे दिया है मैंने और फिर अभी मैं आई हूँ अपना ब्रश करने ब्रश हो चुका है और मैं मॉर्निंग में पीती हूँ तांबे के गिलास का पानी तो चलिए ओह भाई साहब वो देखो मेरा सुल्तान इतना मासूम सा बैठा है जैसे उसको किसी ने कोई खाना ही नहीं दिया है और वो यश के बेड बैठ पे बैठा है इधर सुल्तान कम यार कम देखा हेलो बोल दो सुल्तान गुड मॉर्निंग कर दो अभी खाना खा चुके हो ना सुल्तान वेट बेटा रुको, 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 रुको। गुड मॉर्निंग बोल दो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजा ये देखो ये देखो इधर देखो तो देखो जाओ तुम्हारा हैंड ग्लव्स ले आओ ग्लव्स से खेलेंगे अरे भाई मेरे मोबाइल मत खा अच्छा 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 रुको मैं अपना पानी पी लूँ फिर चलते हैं ओके कमी नहीं होती इसकी बदमाशियाँ क्या चाहिए सी ऑफिसर ए सी ऑफिसर क्या चाहिए तुमको क्या खोजबीन चला है क्या है घर में रॉ एजेंट ए रॉ एजेंट <coughs> कुछ सुराग मिला कि नहीं मिला तो अभी घर में सब लोग सोए थे यानी यश और यश के पापा और सुल्तान तो नहीं सोया था सुल्तान उठ चुका है तो मैं सोची कि साइलेंटली जो काम हो सकता है वो मैं कंप्लीट कर लूं तो यहाँ पर रात में वेजिटेबल्स आए थे जिसको मैंने सैनिटाइज़ करके रख लिया था आ, वाटर में अच्छे से धो के और उसको कॉटन के क्लॉथ में आ, से पोछ के रख लिया था अब उसको मैं सोची कि सेग्रीगेट करके पूरा मैं फ्रिज में रख लूँ तो यहाँ पे पहले मैं ग्रीन चिलीज़ का काम कर रही हूँ तो ग्रीन चिलीज़ का जो टॉप का जो लकड़ी होती है ना डंडी जिसे हम बोलते हैं उसको मैं तोड़ के रख लेती हूँ और टिश्यू चेंज कर दिया अभी मैंने और कभी भी आप हरी मिर्ची रख रहे हो या कोई भी वेजिटेबल रख रहे हो तो प्लीज़ आप टिश्यूज़ में रखिए आपके वेजिटेबल्स का लाइफ बढ़ जाएगा यानी जल्दी ख़राब नहीं होगा वो तो यही यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ का काम हो रहा है और ग्रीन चिलीज़ में भी ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है तो उनको भी मैं साइड में रख दे रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन है यश घर में था तो उसने अभी वो ग्रीन चिली वाला चटनी नहीं खाया था तो मुझे उसको खिलाना था आज तो जो अच्छे अच्छे हैं उसको मैं अच्छे से स्टोर करके रख ले रही हूँ और जो साइड में थोड़े से जो आ, कट आते हैं उसको मैं उसको भी अच्छे से सेग्रीगेट करके रख लूँगी ताकि उसी का मैं आज चटनी बना लूँ नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा तो ये अभी ग्रीन चिल्ली इसका काम हो रहा है और साथ में आ, सुल्तान भी आगे पीछे मेरा घूम रहा था तो उसको मैं बता रही थी कि ग्रीन चिल्ली खाना है क्या तुमको तो उसको तो हर चीज़ ही खाना रहता है वो कुछ नहीं छोड़ता तो यहाँ पे ग्रीन चिल्ली इसका काम हो गया है और अब मैंने निकाल लिया है करियांडा का बॉक्स तो उसका भी मैं टिश्यू चेंज कर दूंगी क्योंकि कोरिएंडर के लिए भी आप टिश्यू रखिए यानी कोई भी वेजिटेबल आपको स्टोर करके रखना है तो टिश्यू पेपर से आप रखिए उसका लाइफ बढ़ जाता है यानी थ्री फोर डेज और एक्स्ट्रा हो जाता है और ये जो भी वेस्ट है वो मैं पेपर में निकाल के बाहर फेंक दूँगी अब नेक्स्ट फ्रिज में मुझे रखना है टमाटोज तो टमाटोज के सेल्फ में मैं देख रही थी कुछ रखा है क्या तो एक जस्ट एक कवर रखा था और उसमें आ, वो बीट रूट रखा था उसको मैंने हटा के टमाटोज रख दिया है फ्रिज क्लोज़ हो चुका है और साइलेंटली मैंने बद, जैसे आपको बताया कि कुछ साइलेंटली काम कर लूँ तो कपड़े मैं अभी बाहर से लेकर आई हूँ क्योंकि दो दिन से इतनी बारिश हो रही थी कि, कि कपड़े सूख ही नहीं रहते तो कपड़े इतना सूख गए हैं तो उसको मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ और सुल्तान तो अभी चिल्लाता नहीं है और सब लोग भी सो रहे थे तो ये मेरा साइलेंटली काम हो रहा है और बाहर का आंगन का जो भी काम रहता है वो तो हो चुका है कपड़े होने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन का काम करने या फिर मैं जाऊंगी नहा लूंगी क्योंकि मुझे पूजा भी करना था और अभी टाइम हो रहा है सेवन थर्टी और सुल्तान की बदमाशियाँ चली रही है मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ सुल्तान मेरे पीछे पीछे रहता है यानी बाहर झाड़ू भी लगाना हो या फिर अभी जहाँ मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी और अभी मैं आ गई हूँ सोफ़ा के पास यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने तो वो पीछे पीछे ही रहता है ना तो फिर यश के पास चला जाता है और यश को डिस्टर्ब करता है और ये देखिए मैं बता रही हूँ इसमें सर्फ लगा है इतने कम कपड़े मैं देती हूँ उसको फिर भी शायद उसका हेल्थ ठीक नहीं था इसलिए वैसा करी वरना वो अच्छी है हमारी मेड और ये देखिए मैं अब चली गई हूँ कपड़े रखने तो सुल्तान को अपना टारगेट मिल गया है उसका यश भाई तो यश को वो उठा रहा था आ, उसके क्लासेस है यश के उसका आज एग्ज़ाम भी है आज कौन सा पेपर है आज शायद उसको साइंस का पेपर है तो इसलिए और अब ये देखिए पूजा हो गया है और पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट मुझ में मुझे आपको बताना था कि आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्रियन uh, स्टाइल मिर्ची का ठेचा अगर आपके पास कोई वेजिटेबल ना हो या फिर आपका मन ना कर रहा हो कि मॉर्निंग में कोई वेजिटेबल बनाना है तो हम ये क्विक सा मिर्ची का ठेचा बना सकते हैं बहुत यमी बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस होता है और मिनटों में इन एजी वे बनने वाला है तो सबसे पहले आप नट ले लीजिए और कढ़ाई में रख के उसको भून लीजिए अच्छा सा वो भूनने के बाद आप उसको साइड में निकाल लीजिए अब हम अपने कढ़ाई फिर से प्लेस कर देंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऑयल अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है और थोड़ा सा उसमें जीरा और मिर्ची जो मैंने साइड में देखिए वेस्ट ना हो तो ये जो मैंने साइड साइड के जो खराब थे उसको निकाल लिया है और जो भी मिर्ची थे वो मैं आज यूज कर रही हूँ तो ये मिर्ची मैंने ले लिया है आज मिर्ची का थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही बनाऊंगी क्योंकि ये खराब नहीं होता है सेवन डेज तक अच्छा रहता है और अब इसमें ऐड कर लूँगी मैं सेवन टू एट गार्लिक और थोड़ा सा हींग और उसे अच्छा सा आ, थोड़ा सा भून लेने दीजिए तेल में अच्छा सा थोड़ा सा लालपन थोड़ा सा आ जाए ज़्यादा नहीं एकदम जलाना नहीं है या फिर एकदम रेडिश भी नहीं करना है बस हल्का सा थोड़ा सा उस पर टेक्स्चर आ जाए तो बस हमें इसे निकाल देना है मीन वाइल हम ऐड करेंगे सॉल्ट सॉल्ट आप अपने टेस्ट वाइज आप ऐड कर सकते हो तो सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए एकदम ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा क्योंकि चटनी अचार में थोड़ा सा नमक अगर तेज ही रहे तो अच्छा लगता है वरना आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी रख सकते हो एकदम मिनिमम भी और यहाँ पे मैंने नट जो मैंने इसको भून लिया था उसको मैंने दर दरा यानी हल्का सा मैश कर लिया है ग्राइंडर में और फिर उसको भी मैंने ऐड कर लिया है उसी मिर्ची में और ये हो चुका है प्रिपेयर हो चुका है बस अब हमें इसे कूटना है तो कूटने के लिए मैं फिर से ग्राइंडर नहीं यूज़ करूंगी हमारे पास अगर सील हो या फिर खलबत्ता जैसे मैं बता रही हूँ अगर ऐसा हो तो आप उसमें ही करिए क्योंकि ये चटनी जो भी मिर्ची का ठेचा है वो थोड़ा सा दरदरा खाने में ही अच्छा लगता है अगर हम ग्राउंड ग्राइंडर में डालेंगे तो वो फाइन पेस्ट हो जाएगा तो वो टेस्ट और वो टेक्सचर और वो माउथ वाटरिंग वैसा नहीं रहता जैसा हमें चाहिए तो प्लीज़ ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें या तो सील ले लीजिए या फिर जो भी कूटने का हो वो लीजिए आप ग्राइंडर में ना डालें तो ये मैं थोड़ा थोड़ा क्योंकि छोटा सा है अभी मेरे पास तो मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में इसको डाल के कूट रही हूँ और ज़्यादा मैश नहीं करना है बस थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि ग्राउंडनट मैश होने में टाइम लगता है इसलिए नट को मैंने पल्स मोड में कर लिया था दर और ये मिर्ची और लहसुन को बस कूटना होता है तो वो तो जल्दी हो जाता है तो ये मिर्ची और लहसुन का मेरा प्रिपेयर हो चुका है बस ऐसे ही हमें इसको खाना है बट हम इसे खाएंगे किसी भी पराठे के साथ तो पराठा मैं फिर से नॉर्मल ये तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में कि मैंने मोरिंगा के पराठे बनाए हैं मैं बस मौका ढूंढती हूँ यश को खिलाने का मोरिंगा हो ग्रीन लीव्स हो पालक हो मेथी हो तो आज वो घर में है तो मैं उसको रोटी में <coughs> रोटी में डाल के खिला दूँगी तो वो खा लेगा मिर्ची के ठेचा के साथ तो मैंने आटा ले लिया है आटा आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से ले लीजिए उसके ऊपर मैंने डाली है मोरिंगा लिप्स थोड़े से धनिया पत्ती यानी कि कोरिएंडर लिप्स और जीरा और अजवाइन इस सबको आप मिक्स कर लीजिए और आटा आप जैसे लगाते हो नॉर्मल आटा रोटी के लिए वैसे ही हमें आटा लगाना है तो ये मेरा आटा लग चुका है प्रिपेयर हो गया है और चलिए अब हम बनाते हैं हम इसके नॉर्मल पराठे पराठे जैसे हम बनाते हैं बस बस हमें वैसे ही बनाना है तो मैं पराठों में घी अच्छा से लगाऊंगी पहले आप ऊपर नीचे अच्छे से अपने पराठों को सेक लीजिए आप अगर सिंपल रोटी रखना चाहो तो रोटी भी रख सकते हो इसको ज्वारी की रोटी के साथ इसको चावल की रोटी के साथ इसको रागी की रोटी के साथ यानी जो भी आपको रोटी के साथ खाना हो उसे खा सकते हो मेरा अभी आटा मल्टीग्रेन है तो ये मल्टीग्रेन पराठा के साथ मैं कर रही हूँ और ये मैंने स्पून फुल घी लगा दिया है अपने पराठे में और पराठा में तो घी मस्ट है वरना आप तेल या बटर का भी यूज़ कर सकते हो तो मैं ये घी यूज़ कर रही हूँ तो ये देखिए ये ऊपर का थोड़ा सा सिक चुका है तो इसे हम फ्लिप कर देंगे दोनों साइड आप अच्छे से अपने पराठे सेक लीजिए घी तेल या बटर लगा के और ये बहुत ट्रेडिशनल है महाराष्ट्रियन डिश है जो एवरी महाराष्ट्रियन uh, फैमिली में बनता है और प्लीज़ आप लोग भी इसे एक बार बना के ज़रूर खाए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये ट्रैवलिंग में भी यूज़ हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अगर आपकी सब्ज़ी खराब हो गई हो तो आप इसे ज़रूर रखें क्योंकि ये सब्जी का काम भी करता है ये ख़राब नहीं होगा और आपको वही टेस्ट आएगा यानी मेरे हिसाब से तो उससे बढ़कर ही टेस्ट आएगा बहुत अच्छा लगेगा आपके पराठों के साथ आपके रोटी या पूड़ी के साथ भी तो इसे ज़रूर बनाएं और खाएं और हेल्थ वाइज भी ये बहुत बहुत अच्छा है यानी मिर्ची में तो ग्रीन चिलीज़ में विटामिन सी होता ही है तो आप वीकली वंस इसे ट्राई कर सकते हो एंड नेक्स्ट uh, ये हमारे पराठे बन चुके हैं तो इसे चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पाठक डायरीज़ और, तो और पराठों को मैं सर्व कर रही हूँ मिर्ची का ठेचा के साथ जो कि जो दोनों ही मेरे यानी आज के ब्रेकफास्ट में बहुत हेल्दी है तो आज के लिए बस इतना ही अगर थैंक यू बाय बाय ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी